हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी एंड आई एम बैक अगेन विथ अनदर हेल्थ एंड फिटनेस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोप्योर के बारे में। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार प्लीज़ एक आइसोप्योर पे वीडियो बनाओ जिसमें हमें बताओ कि इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और कैसा है आइसोप्योर प्रोटीन, इसमें कैसे फ्लेवर्स हमें मिल सकते हैं और हम कहाँ से परचेज़ करें। बट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इसे परचेज़ कहाँ से करें और मैंने कहाँ से करके कितनी बड़ी गलती की, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सो आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास ये प्रोटीन पड़ा हुआ है आइसोप्योर का स्ट्रॉबेरी क्रीम मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें अब प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने ये प्रोटीन ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, करीब हो गए मुझे 15-20 दिन हो गए, और ये ऑर्डर मैंने किया था पेटीएम मॉल से। सो मैंने पेटीएम मॉल से किया क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, मैंने सोचा ऑनलाइन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑनलाइन क्या चल रहा है आजकल और प्रोडक्ट जो है ऑथेंटिक है या नहीं, इसके लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अमेजोन वगैरह से, सब जगह से, हेल्थ कार्ट वगैरह से पहले ही ऑर्डर कर रखे थे और जो भी मेरे को सप्लीमेंट मिलते थे जेन्युइन मिलते थे। बट इस केस में मैंने देखा कि पेटीएम मॉल पर अभी तक मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था और उस पर बहुत कैशबैक भी मिल रहा था, तो किसे बुरा लगता है यार सप्लीमेंट सस्ते में मिले। तो मैंने भी वही चीज़ की, मैंने ट्राई किया चलो पेटीएम मॉल से ऑर्डर करके देखते हैं कि यहाँ पे सप्लीमेंट मेरे को कैसा मिलता है। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया अपना ये आइसोप्योर स्ट्रॉबेरी क्रीम, फ्लेवर मेरे को काफ़ी पसंद है तो मैंने इसके लिए ऑर्डर किया। और वहाँ पे इसका जो MRP चल रही थी वो करीब करीब 1800 थी और मैंने कहा ठीक है 1800 MRP है, कैशबैक भी आ जाएंगे 400-500 रुपये, 400 समथिंग इसमें कैशबैक था। मैंने कहा चलो कैशबैक आ जाएंगे, उससे कुछ और लेंगे, मल्टीविटामिंस वगैरह ले सकते हैं। सो मैंने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊँगा, बट पहले बताता हूँ कैसे मैंने ऑर्डर किया, कब मिला। तो मैंने जब इसे ऑर्डर किया उसके करीब 4-5 दिन के अंदर मेरे को डिलीवरी हुई, मैंने ऑफिस में अपने मंगा रखा था, मैंने वहाँ से लिया और घर पे आके मैंने इसे अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने पे मैंने देख के एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि मेरे को जो पैक मिला था वो पैक बहुत ही लोकल क्वालिटी का था। जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदो या कोई भी प्रोडक्ट आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो, सो आपको देख के ही पता चल जाता है उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग कैसी होती है। बट यहाँ पे मेरे को जो पैकेजिंग मिली बहुत ही घटिया क्वालिटी की मिली, जिसमें जो ऊपर पॉलीथीन यूज़ हुई थी बहुत ही क्रस्ट टाइप की पॉलीथीन थी। आप अभी जैसा कि मैंने अभी पैक आपको दिखाया था वो काफ़ी लोकल सा एक पैक लग रहा था, तो वहाँ पे वो मुझे मिला। मैंने कहा चलो भाई अंदर देखते हैं क्या है। ऊपर मैंने सारी चीज़ें चेक की, आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्टर की सील दी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको लॉट नंबर वगैरह मेंशन है, बारकोड वगैरह मेंशन है, सब कुछ था। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह चेक की तो किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी। और फिर मैंने कहा चलो अंदर देखते हैं, हो सकता है प्रोडक्ट ऑथेंटिक हो, पैकेजिंग में कोई इशू रहा हो। और मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने जब देखा अंदर तो अंदर भी वही नकली चीज़ें, बहुत ही थिन एक फाइन पाउडर मिला मुझे अंदर इसके, जो वे प्रोटीन जो आइसोप्योर का आता है इतना थिन नहीं होता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है इसे। और मैंने कहा चलो इसे यूज़ करके देखते हैं कैसा है। तो मैंने इसे मिक्स किया पानी में और इसे पानी में मिक्स करने के बाद जो इसकी एक स्मेल थी बहुत ही गंदी स्मेल थी, साथ ही साथ में इसमें आपको जो एक फ्लेवर आता है, मैंने जब टेस्ट किया तो एक बहुत सिंथेटिक फ्लेवर आ रहा था, बहुत अजीब सा गंदा सा फ्लेवर था। और मैंने एक से बीस की पूरी नहीं ली और उसे फेंक दिया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए कंप्लेंट करूं, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है मैं नहीं चाहता फ्यूचर में किसी और के साथ हुई हो। तो मैंने हेल्प या कॉन्टैक्ट सेक्शन जो होता है वहाँ पे पेटीएम पे जाके कॉन्टैक्ट सेक्शन में उनके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि माय प्रोडक्ट इज़ नॉट जेन्युइन, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द सील इज़ ब्रोकन, ये इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मैंने वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट किए और मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे को आई है, आपका प्रोडक्ट जो भी आपने भेजा है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मुझे क्या इसके बदले आप रिफंड करोगे, प्रोडक्ट एक्सचेंज करोगे या मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कराओगे रिटेलर के साथ जिससे मैं शेयर कर सकूं कि मेरे को क्या इशू आ रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनका 48 आवर्स के अंदर मेरे को एक बहुत प्यारा सा रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ था कि हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उसे जेल भेजेंगे कि क्या करेंगे कुछ पता नहीं मेरे पीछे वो क्या कर रहे हैं उन्होंने, लेकिन साफ ये मेंशन किया हुआ था कि उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में ये एक बहुत ही गंदी सी लाइन थी हमारे, मतलब मेरे लिए, कि ये प्रोडक्ट जो है अंडर जिस सेक्शन के अंदर आता है वो है
नो रिफंड नो एक्सचेंज, यानी अगर आपको नकली प्रोडक्ट मिलता है तो हमारी भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने खरीदा है आप जानो, हमने तो रिटेलर्स को पैसे दे दिए हैं, अब वो नकली माल बेचे या सही माल बेचे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। साथ ही साथ ही मैं जो आपको बात कर रहा था, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करो और उसमें रिटेलर्स के बारे में आप ना सर्च करो कि भाई रिटेलर्स कैसा है, उसके रेटिंग क्या है, उसका लोग रिव्यू क्या दे रहे हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप मूवी भी देखने जाते हो तो एक बार देखते हो कि भाई मूवी का रेटिंग कैसा है, IMDb पे देखते हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप चेक करते हो उसकी रेटिंग क्या है। सेम इसी तरह आप जब भी कोई प्रोटीन खरीदने जाओ तो वहाँ पे रेटिंग देख सकते हो। मैंने भी ट्राई किया था देखने का, बट पेटीएम मॉल में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप जाके देख सकें कि किसी भी रिटेलर की रेटिंग क्या है। इवन आपको अगर प्रोडक्ट ख़राब मिलता है तो आप जाके वहाँ पे कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे जाके लिख सकें और रिटेलर को अपनी रेटिंग दे सकें। तो बहुत ही घटिया एक सिस्टम है। अगर आप मेरे से जेन्युइन पूछोगे कि आपको पेटीएम मॉल से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं बिल्कुल मना करूंगा आपको। पेटीएम मॉल से भी प्रोडक्ट तब तक ना खरीदें जब तक इन पे पेटीएम मॉल पे जब तक एक ऑप्शन जो होता है रिटेलर्स की रेटिंग का ऑप्शन जब तक नहीं आता है तब तक तो फिलहाल बिल्कुल ही ना खरीदें। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर ऐसा ऑप्शन आया तो मैं भी इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदते हैं तो कैसे खरीदना चाहिए। बाकी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, वो मेरे को ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट मिला था, हेल्थ कार्ड वगैरह से तो मिलता ही है। सो ये बातें हो गई प्रोटीन परचेस करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।